बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ पाकिस्तान के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का पहला सवाल ये है कि अयूब खान की खारजा पॉलिसी के अहम नुकात बयान करें। सदर अयूब खान की खारजा पॉलिसी के अहम नुकात ये हैं: भारत से ताल्लुकात, भारत के साथ नहरी पानी का मुआहदा, मसला कश्मीर पर भारत से गुफ्तगुशनीद, चीन भारत जंग और उसके असरात, रन कच्छ का तसादम, सितंबर 1965 की जंग, ऐलान ताशकंद, अमरीका के साथ ताल्लुकात, रूस के साथ ताल्लुकात, बरतानिया और दौलत मुश्तरका से ताल्लुकात, पाक चीन ताल्लुकात में नया दौर, इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात। अगला सवाल यह है कि अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाबात में किसने हिस्सा लिया। अयूब खान का सदारती इलेक्शन में मुकाबला मोहतरमा फातिमा जिन्ना से था और जिसमें अयूब खान जिसे वो कामयाब हुए। अगला सवाल यह है कि सदर अयूब खान ने किस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की। सदर अयूब खान ने जिस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की वो कन्वेंशन मुस्लिम लीग थी। अगला सवाल यह है कि सिंध तास मुआहदा कब हुआ। सिंध तास मुआहदा भारत और पाकिस्तान के माबैन नहरी पानी के तनाज़ा के हल के लिए 19 सितंबर 1960 हुआ, जिसके तहत पंजाब के तीन दरिया रावी, सतलज और ब्यास इंडिया के हिस्से में चले गए और तीन दरिया जो थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए, सिंध, चनाब और जेलम। अगला सवाल ये है कि सदर अयूब खान के दौर में रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे थे। सदर अयूब खान के दौर में रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कशीदा थे और कश्मीर के बारे में रूस का वीटो करना तलखियां पैदा करने के मुतरादिफ था। पाकिस्तान जबकि अमेरिका का इतिहादी था सीटों और सेंटों की वजह से, और दूसरी तरफ ये हुआ कि मई 1960 में अमेरिकी तैयारा U-2 पिशावर से उड़कर रूस में दाखिल हुआ तो पाकिस्तान और रूस के दरमियान कशीदगी इंतहा को पहुँच गई। फिर 1963 में अयूब हुकूमत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के असूल के तहत रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने शुरू किए और इसी के नतीजे में ऐलान ताशकंद के लिए सदर अयूब खान जो थे वो ताशकंद गए, लेकिन इस मुआहदे में भी पाकिस्तान को रूस के दबाव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ताल्लुकात में फिर सर्दमहरी पैदा हो गई थी। अगला सवाल ये है कि मिसाक इस्तंबुल कब हुआ। मिसाक इस्तंबुल या RCD ये मुआहदा 12 जुलाई 1964 को इस्तंबुल के तारीखी महल में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के सरबराहान यानी कि सदर मोहम्मद अयूब खान, सदर पाकिस्तान शहनशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी, ईरान के बादशाह और तुर्की के सदर जमाल गर्सल के दरमियान तय पाया था। अगला सवाल यह है कि RCD के अहम नुकात पेश करें जिन पर इत्तेफाक हुआ था। तीनों ममालिक के माबैन डाक की शरह काम करके उसे दाखिली शरों की सतह पर लाया जाना था और तीनों मुल्क में सफ़र के लिए वीज़ा की पाबंदियों का खात्मा शामिल था। अगला सवाल यह है कि RCD के तहत जो इदारे कायम हुए उनमें से चांद एक का तذکرہ करें। RCD के तहत जो इदारे कायम हुए उनमें वजारती कौंसल, मनसूबा बंदी कमीशन, RCD सेक्रेटेरिएट और ईवान सनत तजारत शामिल थे। अगला सवाल यह है कि ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रेल सर्विस कब शुरू हुई। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रेल सर्विस के लिए नवंबर 1967 से क्वेटा से ज़ायदान के दरमियान रेलगाड़ी चलाई गई, जबकि 1972 से ईरान और तुर्की को भी रेल सर्विस के जरिए मरबूत कर दिया गया। अगला सवाल ये है कि RCD से
ईरान ने कब अलहदगी इख्तियार की। इनकलाब ईरान तक ये माहदा तीनों ममालिक के दरमियान तरक्की के लिए तावन का बेहतरीन ज़रिया था, लेकिन ईरान की इनकलाबी हुकूमत ने अमरीका के ख़िलाफ़ रद्द अमल की वजह से इस माहदे को शक व शुबा की निगाह से देखा और आखिरकार अगस्त 1979 में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस माहदे को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। अगला सवाल ये है कि अयूब खान के दौर में मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर कौन थे। अयूब खान के दौर में मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग थे, जो कि सितंबर 1966 में इख्तदार से लैदा हुआ। अयूब अगला सवाल यह है कि अयूब खान की सबसे ज़्यादा मुखालफत मगरबी पाकिस्तान में किसने की। इसका जवाब यह है कि अयूब खान की सबसे ज़्यादा मुखालफत मगरबी पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। अगला सवाल है कि 25 मार्च 1969 को जनरल अयूब खान के मुस्तफ़ी होने के बाद किसने अनान हुकूमत संभाली। 25 मार्च 1969 को जनरल अयूब खान मुस्तफ़ी हुए तो जनरल मोहम्मद याहिया खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा कर इख्तदार संभाल लिया, जो जिनका ताल्लुक कज़लबाश ईरानी नस्ल से था। अगला सवाल ये है कि जनरल याहिया खान ने कब कमांडर इन चीफ का अहदा संभाला। जनरल मूसा खान की सबकदोशी पर 19 सितंबर 1966 को जनरल याहिया खान ने कमांडर इन चीफ का अहदा संभाला। अगला सवाल ये है कि 1965 की जंग में जनरल याहिया खान किस महाज के इंचार्ज थे। 1965 की जंग में छम के महाज के इंचार्ज थे जनरल याहिया खान, और इस जंग के बाद आपको हिलाल जुरत के तमगे से नवाजा गया। अगला सवाल यह है कि जनरल याहिया खान का दौरे हुकूमत कितने अरसे पर मुहित है। जनरल याहिया खान का दौरे हुकूमत 2.5-3 साल के अरसा पर मुश्तमिल है। अगला सवाल यह है कि जनरल याहिया खान ने जो 3 रुकनी इंतजामी कौंसल बनाई उसमें कौन कौन शामिल था। 3 अप्रैल 1969 को याहिया खान ने मुल्क का नज़्म और नस्क चलाने के लिए 3 रुकनी इंतजामी कौंसल के क़याम का ऐलान किया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हमीद खान, वाइस एडमिरल एसएम हसन और एयर मार्शल नूर खान शामिल थे, जबकि वो खुद इस कमेटी के सरबराह थे। सदर याहिया खान ने 1962 का आइन कैसे ख़त्म किया। सदर याहिया खान ने मार्शल लॉ के नफाज के ज़रिए 1962 के आइन का ख़ात्मा किया। अगला सवाल ये है कि 1956 के आइन की बहाली के लिए कौन मुतालबा कर रहा था। 1956 के आइन की बहाली के लिए सिर्फ जमात इस्लामी मुतालबा कर रही थी, जबकि नए आइन के लिए दूसरी सियासी शख्सियात जिनमें खान अब्दुल कयूम खान, शेख मुजीबुर रहमान, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बहुत से दीगर ये मुतालबा कर रहे थे, और याहिया खान भी खुद नए आइन के बनाने के हक में थे। अगला सवाल ये है कि कौन सी रियासतों का जो सदर याहिया खान ने ख़ात्मा किया। आगा मोहम्मद याहिया खान ने रियासत सवात, दीर और चतराल की अलग हैसियत का अपने दौर में ख़ात्मा किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।